ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। नमस्कार, मैं हूं फिरोज हाशमी। 10 जुलाई की रात नाले में गिरा दिव्यांशु, तब से लेकर अब तक कई बार विरोध किया गया। आज फिर बीएमसी के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोग, मेयर का इस्तीफा मांगा है। और उधर दिव्यांशु के घर वालों ने आज बैठेंगे अनशन पर। मोर्चे में लोगों ने नारा लगाया, डूब मरो बीएमसी, डूब मरो। और इस बीच दिव्यांशु के पिता सूरज सिंह का क्या कहना है जानते हैं। बीएमसी ऑफिसर चीफ गलती और मुंबई करो की गलती है। चंदा यादव जी ने ये स्टेटमेंट दिया है गलती के। मतलब आप नहीं मान रहे? नहीं नहीं, मानने का सवाल ही नहीं उठता। नहीं, हम उनका आश्वासन, मतलब मुंबई कर ठीक है, तो ऑफिसर जब उन्होंने गलती माना कि ऑफिसर भी गलती किए हुए हैं, उनकी भी जिम्मेदारी है, तो वो इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे हैं? हमने बोला इस्तीफा दे दो ना। अभी हम लोग सरकार इतनी निकम्मी है कि एक हमारे छोटे बच्चे को नहीं ढूंढ पा रही है, इतनी निकम्मी सरकार। आप ठीक, और इसलिए हम लोग 4 घंटे के बाद अम्बेडकर चौक पे बेमुद्दत कुपोषण उपोषण जो होता है वो बैठ के धरना और भूख हड़ताल करेंगे। नहीं मिला है, मीटिंग फेल हो गई है, और मैं अपना आंदोलन चालू रखूंगा जब तक मेयर और इससे संबंधित अधिकारी अपना इस्तीफा नहीं देते। बस ये छोटी सी बात कहता हूँ, लेकिन मैं अपना आंदोलन जारी रखूंगा और मैं धरने पे बैठ रहा हूँ। 4 घंटे मैं आज पहली बार मिला हूँ, 4 दिन के बाद यहाँ के सीनियर ऑफिसर चंदा मैडम, 4 दिन के बाद ये आज उनसे मेरी मुलाकात हुई है। वो भी हम आंदोलन करने आए तब वो हमसे मिलने के लिए आई हैं, वो हमारे पास चल के नहीं आई, हम उनके पास चल के गए हैं न्याय मांगने के लिए। उनका कहना क्या है कि हम कोशिश कर रहे हैं, वो कोशिश तो आप लोगों को भी दिख रहा है, हमें भी दिख रहा है, सबको पता है। तो अभी क्या करेंगे आप? मैं अपना आंदोलन जारी रखूंगा और मैं धरने पर बैठ रहा हूं 4 घंटे। सूरज सिंह ने बताया बीएमसी ने एक्सेप्ट किया है, नाले खुले हैं, ये हमारी गलती है, तो फिर इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे हैं। और दिव्यांशु के पिता व परिवार वालों ने ठान लिया है जब तक बीएमसी के गुनाहगारों को इस्तीफा नहीं दिया जाएगा तब तक, और मेयर को खास करके मेयर का इस्तीफा देना होगा, तभी ये अनशन भूख हड़ताल खत्म होगा। दिव्यांशु के पिता की मांग है बीएमसी इस्तीफा दे। हम आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीर है उन हमदर्दों का जो सड़कों पर मोर्चा निकालकर बीएमसी के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, और खास करके मेयर का भी इस्तीफा मांग रहे हैं। उनका कहना है जो इसमें गुनहगार है उनका इस्तीफा होना चाहिए, उनको इस्तीफा देना चाहिए। सुनिए पीड़ित परिवार के परिजनों का क्या कहना है। पहली बार आज बीएमसी के जो वार्ड ऑफिसर है उन्होंने कहा है कि हमारी गलती है। आज तक 4 दिन से कोई कंपनी मिस्टेक ब्लेम गेम खेल रहे थे, आज इन्होंने कहा है कि ये जो जिम्मेदारी हमारी थी, हम सबकी थी, हमसे बड़ी गलती हो गई। मैंने एक ही चीज पूछा, जब गलती हो गई तो इस्तीफा क्यों नहीं हो रहा है? गलती उन्होंने एक्सेप्ट की है, जब गलती एक्सेप्ट हो गई तो इस्तीफा होना चाहिए। हम लोग ने आखिरी बात उनसे यही बोला, मेयर का रेसिग्नेशन आना चाहिए और जितने भी संबंधित अधिकारी हैं उनसे रेसिग्नेशन होना चाहिए। अब बात आगे का, इन्होंने जैसा सूरज ने कहा बहुत सही कहा कि आगे हमारा आंदोलन चालू रहेगा। जहाँ पे बच्चा गिरा था वहाँ पे हम लोग धरने पे अभी से 1-2 घंटे बाद यहाँ से जब निकलेंगे मोर्चा लेके, वहाँ पे हम लोग धरने पे बैठ जाएंगे। आपने सुना बीएमसी ने अपनी गलती मान ली है, और इधर पीड़ित परिवार इस्तीफा देने की बात कह रही है। हम आपको बता दें ये घटना बुधवार की सुबह 10 बजे की है, जहाँ दिव्यांशु पास के नाले में गिर गया और खोजबीन में साफ साफ सीसीटीवी कैमरे में कैद पाया गया। दिव्यांशु नाले में गिरा, नाला खुला हुआ था और नाले ने दिव्यांशु को निगल गया, जिसका अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है। और इसी मुद्दे को लेकर मोर्चा निकालकर मांग कर रहे हैं बीएमसी इस्तीफा दे, जो इसमें गुनहगार है वो इस्तीफा दे। और इसी के साथ समाज राजनीति से जुड़ी हुई खबरों को देखने के लिए देखते रहे प्रहार टाइम्स।